इंडिया के अमीरों की सुपर रिच हिल सिटी, जिसे कंट्री की बेस्ट प्लान्ड टाउनशिप भी कहा जा रहा था। यहाँ 500 से भी ज्यादा फैंसी विलाज और लग्जरी बंगलोज थे। इनकी कॉस्ट मोर देन 8 करोड़। पर ये सारे एक्सपेंसिव बंगलोज आज एकदम बंजर पड़े हैं। जो सड़कें खूबसूरत फूलों से कवर्ड होती थी, आज डेडली पॉट होल से भरी है। लोगों ने यहाँ अपनी पूरी लाइफ सेविंग इन्वेस्ट की, पर आज इस सिटी को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग सिटी एक कंप्लीट फेलियर बन गई? में महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स के पास ये सिटी बनाई गई, 10,000 एकड़ से भी बड़ी। मुंबई और पुणे से ये सिटी बस 2 घंटे की कार राइड दूर है। इस सिटी को एरिस्टोक्रेटिक इंग्लिश डिजाइन और रॉयल इंडियन आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड बोला जा रहा था। इनफैक्ट ये इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड हिल सिटी थी, क्योंकि यहाँ इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट था दैट वाज मेंट ओनली फॉर प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स। और इसमें थी एक लंबी 1300 यार्ड्स की एयर स्ट्रिप। इनफैक्ट यहाँ पर वाटर एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के लिए एक वाटर डोम भी था, मेनलैंड इंडिया का इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर। एम्बी वैली वाज फिल्ड विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, फैंसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इंटरनेशनल स्कूल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, डैम्स, एवरीथिंग वाज स्टेट ऑफ द आर्ट। एक मैसिव 256 एकर्स का गोल्फ कोर्स भी था विद इट्स ओन गोल्फ एकेडमी, जिसे कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। फैशन वीक्स, मूवी शूट्स, फैंसी पार्टीज, ये सब यहाँ रेगुलरली होते थे। Can't think of any other place till I came here. It's incredible. Makes you proud to be an Indian. This place sure is. I never knew that dreams came true. If you live here, you're always on honeymoon. इस सिटी को बनाने वाली कंपनी थी दी इन्फेमस सहारा इंडिया, जो कि अपने स्टार्टिंग डेज में काफी ग्रो कर रही थी। 1978 में ये कंपनी स्टार्ट हुई और बस 30 सालों में इट बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी। सहारा वाज एन एम्पायर विद एन एक्सटेंसिव मीडिया नेटवर्क एंड मेनी फेमस होटल्स। इंडियन बिलियनर सुब्रता रॉय हैज बॉट द लग्जरी प्लाजा होटल ऑन द आइकॉनिक 5th Avenue एंड सेंट्रल पार्क। इनफैक्ट एक टाइम पर सहारा एक कमर्शियल एयरलाइन भी ऑपरेट करती थी, एक आईपीएल टीम को ओन करती थी, एक F1 टीम के स्टॉक्स ओन करती थी, इंडियन हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर करती थी और यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी थी। और इस कंपनी का मास्टरमाइंड था ये एक इंसान। The name is ubiquitous. सहारा बॉस सुब्रतो रॉय। When I was growing up, he was everywhere. He was the poster boy of everything glam and glitz. How did he get this amount of money? What always irked me most was that he was thriving on the money and savings of extremely poor people. I challenged the whole world that we have not done anything wrong. Not a single fault you can get from us. Subrata Roy, who lived in massive luxury, he organized many splendid parties jise kai famous movie stars, politicians aur businessmen attend karte the. But Subrata Roy ki life ekdam drastically change hone wali thi, kyunki ek massive scam bahar aane wala tha. Aisa scam that changed the life of not just this man, but also the lives of many who had invested in the promising Ambi Valley. 2010 में पता चला कि रॉय की दो सहारा कंपनीज ने 24,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लिए थे फ्रॉम मोर देन 3 करोड़ पीपल। ये पैसे उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिए थे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस मनी थ्रू चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स एज मैंडेटेड, उन्होंने ये पैसे कैश में लिए लोअर क्लास नॉट वेरी रिच कॉमन लोगों से, उनको कई झूठे प्रोमिसेस करके। एक पूरी पिरामिड स्कीम चल रही थी। दिस स्कैम वॉज रियली बिग। और जब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने उनसे प्रूफ मांगा, तब सहारा फेल्ड टू गिव दीज प्रूफ्स, एंड दैट वाज द एंड ऑफ दिस एम्पायर एंड द एम्बी वैली सिटी। इस मैसिव स्कैम को शुरू से समझते हैं। 2009 में सहारा का प्लान था एक आईपीओ रिलीज करने का। इसके लिए उन्होंने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट के पेज 640 में एक घपला था। यहाँ मेंशन थे सम टैक्स रिलेटेड इशू, विच सेड कि सहारा कंपनी के इन दो फर्म्स ने करोड़ों रुपए एक्सेप्ट किए थे फ्रॉम लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, वो भी एज कैश, इन इन्वेस्टर्स को फॉल्स प्रॉमिसेस देके। यहाँ से शुरू ही सहारा के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि इस डिटेल रिपोर्ट को देख के एक लेटर लिखा गया। इंदौर के एक सीए ने ये लेटर लिखा टू द नेशनल हाउसिंग बैंक। इस लेटर में एक ही डिमांड थी, दैट द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू द फ्रॉड दैट वाज बीइंग कमिटेड बाय दीज टू सहारा फर्म्स। नेशनल हाउसिंग बैंक ने ये डिमांड सेबी को भेजी और सेबी ने यही किया। उन्होंने रिपोर्ट से गो थ्रू करके पता लगाया कि सच में इन दोनों सहारा फर्म्स ने इन्वेस्टर्स से बहुत सारे पैसे लिए थे।
तो सेबी ने सहारा को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया. उन्होंने सहारा ग्रुप को बिल्कुल बैन कर दिया फ्रॉम रेजिंग एनी पब्लिक मनी. And they asked these two Sahara firms to return more than 24,000 crore rupees to more than 3 crore investors. Sahara ko ye baat bilkul nahi jami. Pehle to unhone ek intense newspaper ad nikala jisme unhone SEBI ko blame kiya. Fir unhone court se appeal ki, but Supreme Court ne bhi SEBI ke order ko mana. In fact, Supreme Court ne to ek aur demand rakhi. Sahara ko 24,000 crores to lautane hi the aur saath hi 15% per annum ka interest bhi dena tha aur ye sab unhe 90 days ke andar hi SEBI को दे देना था. इन पैसों को सभी इन्वेस्टर्स को लौटाती. अब सहारा ने एक और मूव खेला. उन्होंने सभी को कुछ 5,000 करोड़ तो दिए लेकिन बाकी का पैसा नहीं दिया. ये बोल के कि बाकी का पैसा उन्होंने इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली रिफंड कर दिया है. नॉट लॉन्ग आफ्टर द ऑर्डर सहारा मेड अ स्टार्टलिंग क्लेम दैट दे रीपेड ऑलमोस्ट ऑल द मनी 20,000 क्रोर्स बैक टू द इन्वेस्टर्स इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स एलिसिटिंग दिस रिमार्क फ्रॉम द सेबी चीफ. ए पर्टिकुलर कंपनी हैज क्लेम्ड that it has refunded more than 20,000 crores to so-called investors, out of which more than 90% has been returned in cash. I would like all of you to ponder and think how feasible, how credible this story can be. Of course, सभी को गुस्सा आया और उन्होंने सहारा से इन investors की details मांगी. तब सामने आया इस स्कैम का एक और मिस्टीरियस पार्ट. पहले तो सहारा ने बहाना मारा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. उन्होंने बोला कि उनके 500 लोग 20 फोटोकॉपिंग मशीन्स में पूरे दिन इनकी कॉपीज निकाल रहे थे, बट फिर भी इट वॉजंट पॉसिबल टू डू इट इन टाइम. क्लियरली दिस फील्स लाइक एन एग्जैजरेटेड बहाना, बट चलो ठीक है, इसको सच मानते हैं. बट फिर आए और झूठ पे झूठ. उन्होंने बोला कि गर्मी के महीने चल रहे हैं, so their staff has gone for a holiday. इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फनी स्टेटमेंट के साथ दिया. बोला कि सहारा कोई किंडरगार्टन चला रहा है क्या कि उनका स्टाफ समर टाइम में गायब है. जब सहारा ने डॉक्यूमेंट्स भेजे भी तो बहुत रैंडम ऑर्डर में भेजे और डेडलाइन खत्म होने के बाद भेजे. 127 ट्रक्स विद 31,000 कार्टन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दैट्स क्रेजी. चलो एटलीस्ट सेबी के पास ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचे तो इन डॉक्यूमेंट्स में उन इन्वेस्टर्स की डिटेल्स होनी चाहिए थी जिन्हें अपेरेंटली सहारा ने बाकी का पैसा लौटाया था. इन डॉक्यूमेंट्स में उन इन्वेस्टर्स की डिटेल्स तो थी, बट ये डिटेल्स बहुत फिशी थी. 8,000 ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिनके एड्रेसेस वर अनट्रेसेबल. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि इन इन्वेस्टर्स के नाम सीम्ड टोटली अनरियलिस्टिक, फिक्टिशियस एंड मेड अप. There's a huge controversy, Mr. Roy. SEBI says all these people who you claim as your investors are all fake. But a sample of the names and addresses of Sahara investors submitted to SEBI do not appear genuine, further confirmed on the ground by our reporters. यहाँ आसपास हमने पूरी जानकारी जांच कर ली है. रणधीर सिंह नाम का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं रह रहा है. बस फिर क्या? The magnanimous Subroto Roy was put in jail along with two other Sahara directors. Right from the boisterous bungalows to behind the bars. Sahara Group ko bola gaya to sell its properties in Ambi Valley. They failed to do so. To court ne Ambi Valley ka auction shuru kiya. 37,000 crore ki bidding price thi, but koi bhi interested party samne nahi aayi. Abhi bhi Ambi Valley ka case is in the courts and its future is uncertain. Whereas Subroto Roy is out on parole. This story is not about the fall of one man. It's the story of many common people who got majorly affected because of him. And it's the story of an entire city that suffered because of his greed. Hello humans, have you ever heard of Ambi Valley? Let us know in the comments. Agar geopolitics pasand hai to hamari series Beyond Borders ki baki videos dekhna mat bhoolna from our playlist. Aur haan, hame apna valuable time dene ke liye a huge thanks to you.